सवाल कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, प्रथम राष्ट्र हम रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, आज नहीं तो कल जाना है। ये कोरोना की बीमारी है ना, ये पता नहीं किसको मुझे या किसको लग जाएगी, कोई पता नहीं जनाब। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज वाकई भारत के लिए चिंता का वक्त है। भारत के लिए चिंता का वक्त इसलिए है क्योंकि एक तरफ कोरोना से लड़ाई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और तीसरी तरफ चाइना मोर्चा खोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज के इस शो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो वाकई बेहद आवश्यक है। नाथुला से लेकर तवांग में भारतीय सेना के हाथों मात खाने के बाद भी अगर चीन के दिल में थोड़ी सी भी गलत फहमी रह गई थी तो वो गलतफहमी कल रात को जरूर दूर हो गई होगी, क्योंकि चीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि गलवान वैली का दुस्साहस दिखाना ऐसा उसे इतना भारी पड़ जाएगा। खुद चीन की मीडिया कह रही है कि भारतीय सेना ने उसके 5 सैनिकों को मार गिराया, मार दिया और उसके 11 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि चीन के साथ गलवान में हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल के अलावा 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मैं और पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है, सलाम करता है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान है मेरे साथ आज की इस चर्चा में? गौरव भाटिया जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं मेरे साथ इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मेरे साथ पत्रकार माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ MS बिट्टा हैं, मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद साहब हैं, आपका भी अभिनंदन है सर। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कब क्या हो रहा था उसकी बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आज की परिस्थितियों में चाइना बॉर्डर पे हमारे शंकर प्रसाद जी ने एक सेकंड लेट में दिल के साथ जो उनका एक अनुभव था ना, वो कांग्रेस है ना वो बीजेपी है, वो तो फौज के उस वक्त के जनरल रहे, जो उनका एक अनुभव था जो हमेशा उनकी डिबेट पे मैं देखता हूँ उनमें सच्चाई होती है। मैं कहता हूँ इसमें ना कांग्रेस लाई जाए ना बीजेपी लाई जाए, सवाल तो सीमाओं की सुरक्षा का है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, वो चाहे वो चाइना हो। आपने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले भी चाइना ने यह हरकत की थी, हमारे जवानों ने किस तरीके से मार मार के मुक्के उनको भगाया था, हैंड पंजाबी स्टाइल से उनको उसके बाद भी हरकत की। अब कल जो चाइना ने कितनी बड़ी हरकत की है उसका जवाब हिंदुस्तान की फौज ने दिया, चाहे हाथों से दिया चाहे किस तरीके से, हिंदुस्तान की फौज ने चाइना को जवाब दिया और चाइना ने यह माना कि हमारे इतने जवान मारे गए, इतने जख्मी हुए। सवाल कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, प्रथम राष्ट्र हम रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, आज नहीं तो कल जाना है। ये कोरोना की बीमारी है ना, ये पता नहीं किसको मुझे या किसको लग जाएगी, कोई पता नहीं जनाब। इस वक्त हम सबको एक हो करके, पुरानी बातों को छोड़ करके एक हो करके हमें सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता पाकिस्तान होता तो मैं, मेरा जवाब और था, चाइना है तो मैं नहीं भावक होके कहूंगा अभी प्लेन भेज दो अभी टैंक भेज दो, हमारे पास पूरी तैयारी है। और 26 जनवरी को आपने देखा, 26 जनवरी दुनिया ने देख ली हमारी सुरक्षा की कितनी तैयारी लड़ने के लिए हर जगह पे है। आपने श्रीलंका का जिक्र किया, बड़ा एक आपने अलग तरह का जिक्र किया, एक तरफ नेपाल आंखें दिखा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश है सारी चाइना की, एक चोरी एक सीना जोरी, एक तो कोरोना फैला दिया पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के कहां कहां महामारी फैल गई, दूसरी तरफ से सीना जोरी करता है। सवाल यह है पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल चाइना के खिलाफ एकजुट होना होगा, अकेला हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। और मैं ये भी आज बता दूं, आज कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे और हो, महबूबा मुफ्ती का भी स्टेटमेंट आया, पता नहीं जेल में आया कहां मुझे पता नहीं, उसका भी स्टेटमेंट ठीक था, जो सही है वो सही है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि हम खड़े हैं फौज के साथ, हम खड़े हैं सरकार के साथ, सरकार उसका जवाब दे, पर जवाब किस तरीके से देना है ये पॉलिसी हम बनाने वाले नहीं है,
ये पॉलिसी डिफेंस की सुरक्षा व्यवस्था वो बनाएगी, ये फॉरेन मिनिस्ट्री बनाएगी, ये फौज के जो जर्नैल हैं रावत जी हैं और जर्नैल है वो पॉलिसी बनाएंगे। हम तो बात कर सकते हैं पर ये जरूर हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं, वो तमाशा नहीं बनाएंगी और चाइना को जवाब देंगी इस देश के ऊपर इकट्ठे होके कि हम आपसे एक हैं। और मैं आपको हाथ जोड़ के देवगन जी गुजारिश करूंगा आज की डिबेट के ऊपर प्लीज इसको तूतू मैं मत लेके जाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसको तूतू मैं करना भी नहीं चाहता माजिद हैदरी। हमारे जवान हमें तूतू मैं ठीक है माजिद हैदरी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात के ऊपर। पहले मैं माजिद हैदरी को मौका दे रहा हूं फिर मैं अखिलेश जी की बात जाऊंगा, वो भी हाथ खड़ा कर रहे थे। हिंदुस्तान को ISI का अड्डा बनाना चाहते हैं हम। पाकिस्तान के अंदर ISI फौज राज करती है, पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आज आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। क्या हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, परिवर्तन चाहिए, सरकार समाजवादी की हो, सेना को मौका चाहिए, फौज को देश दे, किसी से ढील नहीं कर रहे और नहीं लेंगे, हमारी सेना के हाथ खोले जाए, हमारी सेना के हाथ खोले जाए, हमारी सेना कब्रिस्तान बनाएगी चाइना का, हमारी सेना के हाथ क्यों बांध के रखे 2 महीने से, एक सेकंड होल्ड ऑन, क्या बोल रहे हैं हमारी सेना के हाथ ऐसे होल्ड ऑन, शंकर प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं तस्वीर को कभी क्यों, शंकर प्रसाद जी बोलिए, सेना के हवाले करो, जवानों के ऊपर जंग करो, चुप कराइए प्लीज, बहुत गलत बात हो रही है, आपके विचार क्या है, बहुत गलत बात हो रही है, चुप कराइए, ओके, चाहिए चीनियों का शंकर खून है, शंकर प्रसाद होगी बस, कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं, उनकी बात तो सुनिए, रोज फोर्थ नेहरू जी के बाद पहली दफा वहां पे किसी सेना करने की जान गई है, नेहरू जी के बाद आप नेहरू जी की बात कर रहे थे, नेहरू जी ने फोर्थ की ऊपर राजनीति मत कीजिए, बार बार बात किसी सेना कर्मी की जान गई है, शंकर प्रसाद जी ने क्या बोला, क्या बोला शंकर प्रसाद जी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की, शंकर दयाल जी को हम समझे, ऐसे नहीं होगी, अनुभवी है, हम अनुभवी देश में लोकतंत्र है, बात होगी, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम नागपुर तंत्र में नहीं रहते, हम तो बात करेंगे देश के हक की, कंट्री के हमें चाइना से जंग चाहिए बस, जब कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं होता, माजिद हैदरी भारत जैसे माजिद हैदरी बिना सिर पैर की बात करो, हमें चाइना से जंग चाहिए, हम चाहे हम हमें चाइना का खून चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये जिहाद नहीं है, जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है तुम्हारा, कुछ भी बोल रहे हो, ना हिंदू सरकार हटा दो, सरकार हटा दो, हमें चाइना से जंग चाहिए, इलॉजिकल बात की एक हद होती है, क्रॉसिंग योर लिमिट, मुझे बात करने का मौका नहीं देते, मेरा ऑडियो आप बंद करेंगे, आपका कोई ऑडियो डाउन नहीं है, आप आपका ऑडियो डाउन करवा रहा हूं मैं जानकर, ओके आप लगातार बोल रहे हैं, आप चुप रहिए बाप, माजिद जी पॉलिसी अलग, माजिद है शांत रहिए बाप, आपकी पॉलिसी अलग है, मैं तो फॉर्मर आर्मी चीफ भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन को, आई गो अक्रॉस टू हिम ऑल्सो, तस्लीम रहमानी, ओके ओके, बिट्टा साहब क्या करने जा रहे हैं, एक सेकंड बिट्टा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बिट्टा साहब देश के प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, क्या नरेंद्र मोदी देश का कमजोर प्रधानमंत्री है जो अखिलेश जी ने कह रहे हैं, बिट्टा साहब देखो मैं एक चीज कहूं, अखिलेश जी के साथ या किसी के साथ मुझे मत इस चीज को कीजिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूंगा, बचपन से लेके कांग्रेस में बार बार बम खाने के बाद, इतनी शहादतों के बाद चीफ मिनिस्टर शहीद हुआ, बहुत लोग शहीद हुए, मेरा एक ही मकसद था, टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए, गोली का जवाब गोली देना चाहिए, जी जी, और जी। आज मैं उस मुद्दे पे खड़ा हूं, अगर आज कश्मीर के अंदर 370 धारा नहीं, मैं आपसे एमएस बिट्टा बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, मुझे भाई अगर सर्जिकल ऑपरेशन होता 40 जवानों की शहादतों का बदला लिया जाता, अखिलेश जी जवाब, एक सेकंड अखिलेश जी जवाब, लीडर को सलूट, ओके अखिलेश जी जवाब, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, अमीश जी देखिए, एमएस बिट्टा तो पुराने कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, आज भी हूँ, हम भी माने, हम भी कह रहे चलो मजबूत है, लेकिन बताओ तो आप वो क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं, 6 सालों में देश का बच्चा पूरा दुनिया जान रहा था कि चाइना हमारे साथ अच्छा नजरिया नहीं रखता है, हर जगह वो हमें टांग अड़ा रहा है, हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी ने कौन सी मजबूती किस फ्रंट पर दिखाई, चाहे वो राजनीति रिस्पॉन्ड,
कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी मजबूती दिखाई है अभी तक। एमएस बिट्टा देखो इनकी आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर कहूं मुझे पॉलिटिक्स में मत लाइए। मैं पहले भी कहता था आज भी कहता हूं, मैं कहता हूं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई और नेता हो, मैं खड़ा हूं मेरे जी 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 के अंदर आतंकवादियों को रोज ठोका जी 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 आज पाकिस्तान शंकर प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया भी हाथ खड़ा करें। गौरव भाटिया देयर इज ट्रबल इन योर ऑडियो, वी विल गेटिंग वी आर कमिंग बैक टू यू। हम अपने यहां से करेक्ट कर रहे हैं।